अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने की यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम आपको एक टूर पर ले चलेंगे, यानी वो टूर साथियों, वो सफर का नाम है यूजीसी नेट एक तारुफ। बहुत सारे जो हमारे जीएस ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं उनका बार बार ये मैसेज आता था कि यूजीसी नेट होता क्या है, इसका फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, फिर इसके साथियों क्या उम्र की हद है, फॉर्म कब से कब तक भराएगा और फिर इसको करने के क्या फायदे हैं। तो इन तमाम बातों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो हमारा काफी डिटेल में होने वाला है, कोई भी डाउट आपके नहीं रहेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुली रहेगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से सवालात हैं जो हमारे मन में साथियों आते हैं। सबसे पहला जो सवाल हमारे पास है वो ये है कि यूजीसी नेट क्या होता है, यानी बहुत नाम सुना हमने यूजीसी नेट, ये क्या होता है। ये साथियों सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो दूसरा सवाल आपके पास है, इसको करने के क्या फायदे हैं, यानी इसको अगर हम कर लेते हैं तो इससे हमें क्या फायदा होगा। तीसरा सवाल है कि जेआरएफ क्या होता है। एक आपने इसमें सुना होगा जेआरएफ का भी नाम सुना होगा जी, ये क्या होता है। नेट क्या होता है इसको भी हम लोग जानेंगे, नेट क्या होता है इसको भी जानेंगे, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं बहुत बड़ी बात जी, उसके बाद फॉर्म कहां से भरवाएं और तैयारी कहां से करें और कैसे करें। इन तमाम सवालात के जवाब देने से पहले आपको एक बातें और भी ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो को साथियों 2021 में देख रहे हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 2 फरवरी से लेकर आपको 3 मार्च तक इसका डेट है फॉर्म भरने का। 2 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक इसका डेट है फॉर्म भरने का, ऑनलाइन फॉर्म इसका फिलअप हो रहा है। अभी आप पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आप इलिजिबल हैं, आप फॉर्म भरने के लायक हैं तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिए, इससे आप बहुत ही बेटर कर पाएंगे और तैयारी भी इसके अच्छे ढंग से आज डिजिटल इंडिया में आप कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं, अपने सफर के पास चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि यूजीसी नेट क्या होता है, इसको करने के क्या फायदे, ये दोनों सवाल इसमें मिलेंगे आपको। मुल्क के किसी भी मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री के साथ साथ नेट क्वालिफाई होना लाजमी है। यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बहाल होना चाहते हैं टीचर के रूप में, जैसे आप साथियों डीएलएड करते हैं, बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, तो हाई स्कूल प्राइमरी में साथियों आपकी बहाली होती है। इसी तरह आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर आप साथियों लेक्चरर बनना चाहते हैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो इसके लिए आपको नेट क्वालिफाई होना लाजमी है। एक बात और कहा जा रहा है यहां पर, मास्टर डिग्री के साथ। मास्टर डिग्री का मतलब हुआ कि आप एमए किए हो या एमएससी किए हो, ठीक है साथियों, या फिर आप पीजी कर लिए हैं तो ये भी आपको चलेगा, पीजी और एमए दोनों चलेगा, ठीक है। पीजी बराबर मास्टर डिग्री होता है। ये इम्तिहान साल में 2 मरतबा मुनाकिद किया जाता है, यानी हर 6 महीना पर साथियों ये एग्जाम आपका होता है, सेंट्रल लेवल से साथियों एग्जाम होता है। मजकूरा इम्तिहान अब पूरी तरह ऑब्जेक्टिव यानी मारूजी हो गया है, यानी साथियों यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव बेस हो गया है, यानी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना पड़ता है, यानी सब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस के ख्वाहिशमंद है यानी पढ़ाना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी ग्रांड जो कि साथियों यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन होता है पूरा का, तो यूनिवर्सिटी ग्रांड के जेरे एहतमाम होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट साथियों एनईटी नेट बोलते हैं, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। एक होता है नीट जो डॉक्टरी के लिए होता है, वो नीट नहीं बल्कि ये नेट है जी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। यानी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पहले नेट क्वालिफाई करना होगा, इसके बाद आप हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में
लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की मुलाजमत के अहल होते हैं, यानी आप उसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं जी। या फिर जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसको के जेआरएफ बोलते हैं, साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि एक जेआरएफ होता है तो उसका फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप जी, जे से जूनियर, आर से रिसर्च, एफ से फेलोशिप, ठीक है। तो नेट आपने समझ लिया अब, या फिर आपको जेआरएफ निकालना होगा, जेआरएफ ठीक है हासिल करके एम फिल पीएचडी में इंदराज हो सकते हैं, यानी एम फिल या पीएचडी में आप क्या करते हैं साथियों, आपको दाखिला लेना होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे आगे आप देखिए समझिए। ये टेस्ट साल में दो मर्तबा यानी जून और दिसंबर में मुनाकिद किया जाता है, दो बार साथियों, यानी हर छह मंथ पे ये टेस्ट होता है, कौन नेट का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। कोविड की वजह से अभी जो आपका साथियों मई में हो रहा है, चूंकि दिसंबर वाला नहीं हुआ है, तो इसीलिए जो तालिबे इल्म जे आर एफ क्वालिफाई करते हैं उन्हें मुतालिका सब्जेक्ट में 5 साल तक फेलोशिप दी जाती है, यानी अगर आप जे आर एफ का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं नेट के अलावा, तो आपको साथियों 5 साल तक एक बहुत ही अच्छा रकम जो कि लगभग समथिंग में साथियों 30,000 प्लस में होता है, हर मंथ आपको 5 साल तक गवर्नमेंट देती है रिसर्च करने के लिए, ठीक है जी। तो अब जे आर एफ कौन भर सकता है और नेट कौन भर सकता है, ये हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। इम्तिहान इस टेस्ट में दो पेपर होते हैं जी, दोनों पेपर एक नशिस्त में ऑनलाइन के जरिया होता है, जिसे हम सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद पहला पेपर 50 सवाल पर मबनी होते हैं, जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, हर सवाल दो दो मार्क्स के होते हैं, यानी हर सवाल जो है वो दो नंबर का होगा, यानी पहला पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसे जनरल पेपर के नाम से जाना जाता है, जिसमें टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड की जांच होती है और रीजनिंग के सवालात भी होते हैं, सवालात अंग्रेजी हिंदी दोनों जबानों में होते हैं, यानी जो फर्स्ट पेपर आपका 100 मार्क्स का है वो साथियों हिंदी और इंग्लिश दोनों जबानों में वो सवालात होंगे, आप जिसमें चाहेंगे उसमें आप ऑप्शन भर सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेपर जो है वो 100 सवालात के होते हैं और हर सवालात दो दो मार्क्स के होते हैं, यानी दूसरा पेपर 200 मार्क्स का होता है, 100 सवालात दो दो मार्क्स का, तो साथियों 200 नंबर तो हो ही गया। याद रहे कि दूसरा पेपर सब्जेक्ट से मुतालिक होते हैं, यानी जिस सब्जेक्ट से एमए किया है मुकम्मल इम्तिहान 300 मार्क्स का होता है, यानी जो दूसरा पेपर आपका साथियों 100 सवालात के होंगे, जो 200 मार्क्स का होगा ये पेपर आपके जिस सब्जेक्ट से आपने एमए किया है, मान लीजिए आप उर्दू से आपने एमए किया है, ठीक है, आप उर्दू से साथियों नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसी सब्जेक्ट से यानी उर्दू लैंग्वेज जो है वो आपके 100 सवालात होंगे 200 नंबर के, अगर आपने हिंदी से किया है तो हिंदी के होंगे, अगर आपने इंग्लिश से किया है तो इंग्लिश के होंगे, जो आपका सब्जेक्ट एमए में है, जिस सब्जेक्ट से आप साथियों नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट पर आपके जो दूसरा पेपर होगा वो साथियों 100 नंबर के 200 सवालात पर मबनी होंगे। तो गोया के टोटल हमें ये पता चला कि 300 नंबर के एग्जाम होते हैं और टोटल जो सवालात है उसकी संख्या होती है 150, ठीक है, यह चीज हमें हो गया। अब आगे चलते हैं, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है यूजीसी नेट, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, हर वो शख्स जो एमए किया हो, एमए के साथ पीजी भी मिला लीजिएगा, अगर आपने पीजी भी कर लिया एमए नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एमए साले अव्वल का इम्तिहान दे चुका हो, या फिर आप क्या है कि एमए तो फाइनल नहीं हुआ लेकिन आप एमए 2 साल का होता है, 1 साल का आप इम्तिहान दे चुके हैं, दूसरे साल में आप अपेयर हैं, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। अपने सब्जेक्ट में 55% मार्क्स का होना लाजमी है, अगर आप फाइनली एग्जाम दे चुके हैं तो आप जिस सब्जेक्ट से आपने एमए किया है उसमें आपको कम से कम 55% मार्क्स साथियों होना जरूरी है, अगर आप अपेयर हैं तब तो फिर ये रिजल्ट आपको इश्यू करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ओके। ये चीजें आपकी क्लियर हो चुकी, अब चलते हैं कि कितने उम्र के लोग भर सकते हैं, ये भी हमारे मन में साथियों एक सवाल है कि उम्र की हद क्या है। तो जेआरएफ जिसमें कि एक मोटी रकम मिलती है फेलोशिप के जरिया, जेआरएफ के लिए 30 साल से कम उम्र होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम एज जो है साथियों जेआरएफ के लिए वो आपका 30 साल रखा गया, 30 ईयर जी, इससे आपको कम होना चाहिए तब आप जेआरएफ में भर सकते हैं, और नेट के लिए कोई उम्र की हद नहीं है, यानी जो नेट है साथियों इसके लिए आपको कोई भी उम्र की हद नहीं है
दोनों में फर्क क्या है मैंने वो भी बता दिया आपको। जेआरएफ में साथियों जूनियर रिसर्च फेलोशिप इसको बोलते हैं, इसमें आपको 5 साल तक जो है गवर्नमेंट है स्कॉलरशिप देती है हर मंथ, और नेट में आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। इसकी उम्र की कोई हद नहीं है नेट के लिए, जेआरएफ के साथियों इसकी उम्र की हद है कि ज्यादा से ज्यादा आप 30 साल के आपकी उम्र होनी चाहिए। और दोनों साथियों एक ही साथ फॉर्म भराता है, इसका दोनों का अलग अलग फी नहीं लगता है बल्कि एक ही साथ दोनों का भराता है, सिर्फ ऑप्शन में वहां पे टिक लगाना होता है। ठीक है, चलिए फॉर्म में कहां से भरवाएं, अब आपके मन में यह आशंका होगा, जितने सवाल थे उसका मैंने जवाब आपको दे दिया, कौन कौन भर सकता है, कहां से क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन पद का क्या नाम है, उससे क्या फायदे हैं। अब उसके बाद सवाल आपके मन में यह आता है कि COVID-19 की वजह से अगर आप फॉर्म खुद से भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप खुद से नहीं भर रहे हैं साथियों आमतौर पे स्पेलिंग में आपकी गलतियां हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो फॉर्म कहां से भरवाएं, तो इस डिजिटल इंडिया में साथियों आप सभी चीजें अब मुमकिन हो चुकी हैं। तो जीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की टीम आपकी जरूरियात को समझते हुए आपकी खिदमत में हाजिर है, किस लिए हाजिर है, तो फॉर्म भरने के लिए। आप घर बैठे ही नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करके फॉर्म भरवा सकते हैं। फॉर्म भरवाने के लिए राब्ता करें इसमें जो है साथियों आपको एक बात ध्यान में रहे कि फॉर्म भरवाने के लिए ही आपको संपर्क करना है, दूसरी कोई और जानकारी इससे आपको नहीं मिल पाएगी। हमारे इस नंबर पे अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो 7979963049 इस पर आप कांटेक्ट करके आप फॉर्म भरवा सकते हैं, दूसरी कोई भी जानकारी इस पर आपको नहीं मिल पाएगी। ये सिर्फ साथियों ओनली फॉर्म भरने के लिए ही है, वो भी यूजीसी नेट के फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि तैयारी कहां से करें। अगर आपने एमए साथियों उर्दू से लिया है और आप उर्दू में क्या यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हम इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि जीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर 10 फरवरी 2021 के बाद रोजाना लाइव क्लास कराई जाएगी, जिसमें रोजाना क्लास का पीडीएफ और नोट्स भी दिया जाएगा। आज ही जीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़े और नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। अगर आप इस क्लास को करना चाहते हैं, आप फॉर्म भर चुके हैं, तो आप इस नंबर पर आप संपर्क करके आप साथियों आप हमारे क्लास में जुड़ सकते हैं, आप हमारे क्लास में एडमिशन ले सकते हैं और मुकम्मल 10 यूनिट जो आपका दूसरा पेपर है वो आपको तैयारी करा दी जाएगी, यानी उर्दू पेपर जो आपका दूसरा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अदरवाइज आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं यानी यूजीसी नेट का नहीं, आप अगर 2021 में या 22 में आप मौलाना आजाद के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं बीएड के लिए, तो हमारे यहां आप मंदरजा ज़ैल इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं। किसके किसके, तो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड के लिए उर्दू का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा हमारे यहाँ, इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। या फिर आप साथियों सी टेट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, रीट है, जे टेट है, बी टेट, मैट्रिक, इंटर और बीए के साथियों आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे यहाँ, इसके लिए भी साथियों आपको हमारे इस नंबर पर संपर्क करना होगा और फिर आप जुड़ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक साथियों इंफॉर्मेशन थे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले एक शेर से अपनी बात को साथियों खत्म करूंगा कि नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। जी अगर आप साथियों फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और बहुत ही बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने के सूरत में साथियों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके एक शेयर से हो सकता है किसी का फायदा हो जाए। कोई साथियों ऐसा हो जिसको पता ना हो और वो फॉर्म भरना चाहता हो तो आपके एक शेयर से उसकी साथियों बात बन जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।